हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बढ़िया से दिन में। भाई साहब सुबह सुबह टाइम आपको दिखाई देता हूँ कितना टाइम हुआ है। भाई साहब टाइम हो चुका है 6:30 होने वाले हैं और हम उठ चुके हैं वापिस। हमारी गाड़ी अभी ऑन दी वे, रात को हम निकले थे 11:30 बजे अपने जम्मू से और अभी हम पहुंचे हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में अभी सोनीपत के आसपास है हम, बस 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। चलो 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। और श्रुति कैसी है? जय श्री राम। जय श्री राम। कैसी रही तेरी रात? ठीक थी। मस्त रही ना? हाँ। और भाई साहब यहाँ पे चल रहे दो एसी, बहुत तेज हवा है यहाँ की। और गाड़ी वाले भाई साहब ने रात को दे दिया था हमारे को ये कंबल एंड बस सो गए थे। अभी सुबह सुबह फ्रेश हुए, यहाँ पे एक होटल में गाड़ी रुकी थी तो बढ़िया फ्रेश हो गए हैं। तो चलते हैं आगे, ऋतिक आएगा हमारे को लेने, तो ऋतिक हमारे को लेने आ जाएगा जहाँ हम उतरेंगे दिल्ली में। तो फिर उसके बाद चलेंगे श्रुति के घर, नहाएंगे, खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे ना। लेट्स गो गाइस। कुछ बोलना चाहेगी? बस अब तो पहुंच जाए जल्दी से, फिर उसके बाद ही बोलूंगी। है फिर उसके चला, बाद सही है। अभी जो है हम लोग दिल्ली में एंटर कर चुके हैं और ये हमारे दिल्ली का जो है सिग्नेचर ब्रिज, यही सेम सिग्नेचर ब्रिज जो है ना नोएडा साइड भी इन्होंने कॉपी करके बनाया, बट ये जो है रियल सिग्नेचर ब्रिज है ये दिल्ली का। और लोग जो है ना यहाँ पे जाकर बहुत सेल्फी वगैरह भी लेते हैं। दोस्तों टाइम हो चुका है 9:26, अभी हम कश्मीरी गेट पहुंचे हैं एंड रात को चले थे हम 12 बजे और अभी 9:30 बजे यहाँ पे टच हुए। अभी सामने आप चेकआउट कर सकते हो, सामने है जी कश्मीरी गेट, ये देखो जी। तो अभी ऋतिक हमें लेने आ रहा है, ऋतिक ऑन दी वे है, तो चलते हैं ऋतिक के साथ घर पे जल्दी। और भाई साहब सुबह सुबह ट्रैफिक चेकआउट करो, क्या भयंकर वाला ट्रैफिक है दिल्ली में। कौन सी साइड है ऋतिक? ऋतिक बता रहे वो कश्मीरी गेट के मेट्रो स्टेशन है, वो हमारी लोकेशन पे ही आ रहा है। अच्छा जी, लोकेशन यहाँ की बिजी है। चलो हाँ चलो सही है, तो बस निकलेंगे। तो गाइस फाइनली ऋतिक भी जो है आ चुका है, तो बस अभी जो है सामान रख के हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। घर पे जाकर ही अब ठीक से मिलेंगे, थोड़ा फ्रेश वगैरह भी होंगे, घर जाकर सामान रख देते हैं, उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। तो लो जी फाइनली पहुंच गया दिल्ली, ऋतिक आ चुका है। ऋतिक और सुना भाई घर पे कैसे है? सब बढ़िया, बस सब देख के और बढ़िया हो गया। वो तो हो गई, और बाकी सब ठीक ठाक है ना? सब बढ़िया, एक नंबर। कैसी चली है लाइफ दिल्ली में? लाइफ वही बोरिंग, बोरिंग लाइफ, वही बोरिंग लाइफ चल रही है, कुछ भी नहीं। अरे नहीं यार ऐसा तो नहीं है, मतलब ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूंगा बिल्कुल ही बोरिंग है, मतलब एवरेज है। वहाँ जाके एक अलग एक्सपीरियंस था, यहाँ आके फिर अलग एक्सपीरियंस, मतलब शहर एक कहते ना एक शहर अलग एक्सपीरियंस है, पहाड़ों मतलब एक बिल्कुल ऑफिट, हाँ मतलब बिल्कुल आउट ऑफ एरिया जाके, मतलब जहाँ बिल्कुल शांति वो अलग, जैसे शहर में चहल पहल हुई। ये तो भाई साहब वहाँ का एडवेंचर वो भी एक्सट्रीम था जो आपने देखा है पुरानी वीडियो में। ऋतिक ने बहुत स्ट्रगल करा बेचारे ने हमारे साथ, कहाँ कहाँ लाहौल स्पीति तक पहुँचा दिया मैंने। अरे हाँ रिसेंटली ना पता है लाहौल स्पीति की मैंने न्यूज देखी थी वहीं की, काजा वाले रोड की। हाँ हाँ, परमवीर करके शायद आप यूट्यूबर है जानते होंगे, पैसेंजर परमवीर। हाँ हाँ, उसके साथ एक बंदा था, उसने ट्रैवल वगैरह करा हुआ, वो बंदे की अभी अभी वहाँ पे डेथ हो गई। हाँ कल परसों की बात है, सही अंग्रेज था वो, अंग्रेज था, फॉरनर था, सही फॉरनर था। ट्रैवल में बहुत सारे इंसिडेंट, 100 साल जीऊंगा दोस्तों, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं यार, है ना। तो लाइफ है सब कुछ सिखाती है, ऊपर नीचे चलता रहता है। बाकी दिल्ली का माहौल कुछ ऐसा है, सुबह सुबह मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, आज बारिश है शायद, है ना रीति? मुझे लग रहा बारिश आ जाएगी। पता क्यों आ रही है बारिश? क्योंकि आप लोग आए हो। अच्छा हम बारिश लेके नहीं आए यार। अरे मैं भी उस दिन वापस आया था ना दिल्ली, इतनी तेज बारिश, ऐसा ही अब आप आए हो तो बारिश लेके आया, मतलब ऐसा है कि जितने भी आप लोग आते हो, मतलब हम मतलब पहाड़ों से कोई भी उतरता है तो यहाँ सीधे बारिश लेके आता है। और अभी हम चल रहे हैं नोएडा फरीदाबाद एंड गुड़गांव वाले हाईवे पे। तो चलते हैं दोस्तों घर, नहा के फ्रेश होके फिर मिलते हैं आपसे ना। अभी हम साउथ दिल्ली में पहुंचे, ये सामने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। रीति कौन सा स्टेडियम है? क्रिकेट स्टेडियम है कि कुछ और का है? इसमें क्रिकेट स्टेडियम भी, हर तरीके मतलब कई सारे गेम्स होते हैं। अच्छा। शोज वगैरह भी होते हैं, मतलब स्टेडियम भी फिर 2-3 होंगे ये? ये पता नहीं मैं क्योंकि कभी गया नहीं इसके अंदर, इसलिए आईडिया नहीं। सही है। और बाकी तो फिर अब आगे जाके देखो पुराना किला और लाल किला वगैरह आने वाला है। अच्छा ये पुरानी दिल्ली भी आने वाली शायद इस साइड से, है ना।
तो गाइज अभी दिल्ली के ही थोड़े दिन अभी दिल्ली के ही ब्लॉग्स आएंगे, तो एंजॉय करो दिल्ली को। अब रितिक घुमाएगा बहुत अच्छी अच्छी जगह, है ना, मार्केट वगैरह बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे हम, है ना। फिलहाल तो अभी रेस्ट करेंगे, बाकी देखेंगे। आईटीयू आएगा, आईटीयू की बिल्डिंग रात में, कभी आप दिल्ली आए हो तो आईटीयू की रात में बिल्डिंग बहुत प्यारी लगती है। अच्छा जी, एक काम करेंगे हम, पता क्या करते हैं, नाइट ट्रैवल करेंगे। हाँ, एक दिन नाइट ट्रैवल करते हैं। उसमें क्या है कि जो आईटीयू वाली ये बिल्डिंग है ना, हाँ जी जी, आईटीयू क्या जितनी भी बिल्डिंग है, चाहे नोएडा चले जाओ या यहाँ चले जाओ, बहुत प्यारी लगती है रात में, बहुत दिल्ली की नाइट लाइफ। हाँ, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। इवन आप जैसे पिकनिक वगैरह मनाने भी जाएंगे वो भी करेंगे। जैसे आपने मेरे को वहाँ पे पहाड़ों पे पिकनिक मनाई थी, अब मैं आपको पिकनिक की जगह बनवाऊंगा। चलो सही है, बिल्कुल चद्दर वद्दर अपना मस्त डाल के खाएंगे पिएंगे। ये बात सही बोली, ये तो मैं दिल की बात बोल दी ऋतिक ने, है ना। ये आईटीयू की बिल्डिंग ये सामने है जी, आईटीयू की बिल्डिंग। ज्यादा पैसा है तो ये आईटीआर वाले, आईटीआर वाले आपके घर आ जाएंगे। ये वाले है ना, अच्छा ये जी आईटीयू, बच के रहो भाई। गाइस अभी आप लोग देख रहे हैं सामने अक्षरधाम मंदिर, तो अभी बस थोड़ी देर में हम लोग घर भी पहुंचने वाले हैं। और ये मंदिर जो है ना बहुत ज्यादा मतलब बड़ा है, बहुत बड़े मंदिरों में इसका भी नाम आता है। इसमें ना एक लाइट शो भी होता है, कभी आप लोग आओ तो लाइट शो देख के जाना, बहुत अच्छा। हाँ, और वो नाइट के टाइम होता है, इवनिंग में मतलब डेली होता है नाइट शो यहाँ पे। हाँ, 5 रात में बहुत सुंदर लगता है मंदिर। अभी तो ये ऐसे लग रहा है, और मेरे को लग रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है इसमें। हाँ नहीं, बड़ा है, हम लोग अपोजिट साइड से गए हैं ना। तो गाइस अभी जो है ना मेरे जो घर के पास की लोकल मार्केट है वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ से हम लोगों ने थोड़े से फ्रूट्स लिए हैं। ज्यादा कुछ हम लोगों को मिला नहीं क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, तो अभी काफी लोग आए नहीं है, मार्केट खुली भी नहीं है, तो जो हमको मिला हम लोगों ने वो ले लिया है। तो अभी बस चल रहे हैं घर की तरफ, यहाँ से बस 5 मिनट का ही डिस्टेंस बचा है घर का। मैं आप लोगों को जो है एक छोटे से प्यारे से बच्चे से मिलवाती हूँ, जो मेरे घर में जो है ना काफी सालों से रहा है, जब मैं छोटी सी थी ना तब से वो मेरे साथ है। तो मिली है हमारे जैकी से। अब जैकी बच्चा जो है हमारा थोड़ा सा बूढ़ा हो गया, थोड़ा इनएक्टिव हो गया है, और यहाँ पे मेरी बहन भी आ चुकी है। जैकू अभी जो है हम लोग घर पहुंच गए हैं, तो अभी जो है ना मम्मी जी जो मेरी है वो अभी खाना बना रही है। तो खाने में मम्मी ने जो है खीर और कचौड़ी बनाई है, आलू की कचौड़ी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारी गरम गरम कचौड़ियाँ बन रही है, और यहाँ पे मम्मी ने बना दी है। मम्मी सोए थे रात को, सच सच बताना, सोई थी, झूठ बोल रही है मम्मी। मम्मी रात में जो है सिर्फ 1 घंटे सोई है, और मम्मी एक्साइटमेंट की वजह से पूरी रात ही नहीं सोई है, और सुबह से खाना कभी कुछ करने में ही मतलब लगी हुई है मम्मी, इसलिए थोड़ी आते हैं हम लोग घर पे कि तुम ऐसे परेशान हो। हाँ, और आज जो है ना मौसम भी थोड़ा ठीक है, थोड़ी गर्माहट जो है ना आज मौसम में कम है, तो ठीक है अभी खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे हमारा खाना भी आ चुका है, यहाँ पे गरम गरम खीर और साथ में कचौड़ियाँ आलू की, तो फिर खाएं। और क्या पूछने वाली बात है। भूख लगी है? हाँ बिल्कुल लगी है, मेरे को भी लगी है, तो खाते हैं फिर उसके बाद देखते हैं, थोड़ा रेस्ट मारेंगे, है ना। टाइम हो रहा है अभी 2:30 बजे का, तो सुबह जो है ना मतलब हम लोग 11:30 बजे के आसपास हम लोगों ने जो है ना सुबह जो है वो कचौड़ी और खीर खाई थी। तो उसके बाद जो है ना हम लोगों ने बस थोड़ी सी अपनी शादी की जो है ना वो वीडियोस वगैरह देखी थी हमने अपनी LED में लगा के, क्योंकि मेरी फैमिली ने जो है वो नहीं देखी थी ना, क्योंकि ये लोग अभी वहाँ पर आए नहीं थे, तो मैं यहीं पर ही लेकर आ गई थी। मैंने कहा चलो आज साथ में ही सब लोग देखते हैं, बस हमने थोड़ी देर वही देखी थी, उसके बाद सब लोग जो है रेस्ट करने लग गए थे। तो अभी फिर मम्मी 2 बजे उठी थी, तो मम्मी ने जो है खाना बना दिया है, तो खाना हमारा बन के रेडी हो गया है, जो दोपहर का लंच है। बस अभी जो है मेरे को सैलेड काटना है, तो मैं थोड़ा सलाद काट के उसके बाद जो है फिर मैं खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, फिर मैं सबको जो है मतलब सर्विंग कर दूंगी। तो अभी 3 बजे का, और अभी हमारा जो है लंच टाइम हो चुका है, मैंने सैलेड भी मैंने आप लोगों को बताया तो वो मैं काट चुकी थी, तो अभी जो है यहाँ पे लंच हो रहा है। तो खाने में आज जो है सैलेड और छोले चावल बनाया, और रोटी रोटी मेरी बहन ने बनाई है। तो कैसा बनाया खाना? जबरदस्त, पक्का ना, ऊपर के मन से तो नहीं बोल रहे ना? गाइस मैं तो खैर सोया हुआ था, मैं नहाया भी नहीं हूँ, बट मैंने 2 टाइम खाना खा लिया। कोई नहीं, नहाऊंगा। हाँ, एंड
खा के फिर से सो रहा हूँ, शाम को उठूंगा एक ही बार। कोई नहीं। और यहाँ पे ये मटके का पानी, मटके का पानी कैसा लगा आपको? मेरे घर पे मोस्टली सब मटके का ही पीते हैं, फ्रिज का बहुत ही कम पीते हैं, कोई मेहमान आते तभी। जबरदस्त। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 4:30 का, तो मैं मम्मी और मेरी सिस्टर जो है हम तीनों जो है ना मार्केट जा रहे हैं, अपने यही घर के पास में ही है, क्योंकि मेरे को एंगेजमेंट के लिए जो है कुछ ड्रेस लेनी है, मैं लेकर नहीं आई थी। तो अभी ये मैं बोल रही हूँ आप क्या ही करोगे लड़कियों की शॉपिंग में, बेकार में आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपको पता ही लड़कियों को एक बार में कोई चीज पसंद नहीं आती है, कम से कम वो पूरा टाइम ना लगा लेना 1-2 घंटे का, तब तक वो कुछ ना कुछ सिलेक्ट नहीं करती। तो मैंने इनको बोला कि आप यहीं पे रेस्ट करो, हाँ, और बाकी हम लोग होकर आते हैं, फिर बाद में हम लोग देखते हैं, हम लोग फिर चलेंगे, ठीक है? ठीक कहीं घूमने चलेंगे मार्केट की तरफ। ओके आप रेस्ट, तो इनको रेस्ट करने देते हैं, मैं और हम लोग जा रहे हैं अभी, ठीक है? हम लोग जो है ना अपने यहाँ की लोकल मार्केट में आ गए हैं, अभी देखते हैं यहीं पर ही एक शॉप है उस पर हम लोग जा रहे हैं, मेरे को जो पसंद आएगा मैं वो देखूंगी, अभी तो खैर टाइम लगेगा मेरे को पसंद करने में, इतनी जल्दी पसंद नहीं आता है, तो अभी चलते हैं। लोग आ गए हैं अपने यहाँ की, मैं एक शॉप पे आई हूँ जो मतलब मेरे को अपने मार्केट में सबसे अच्छी शॉप लगती है, तो अभी मैं यहाँ पे अपने लिए ड्रेस देख रही हूँ, तो अभी मैं सिलेक्ट करूंगी इनमें से, मतलब अभी 2-3 और देखूंगी, जो अच्छी लगेगी वो फाइनल करूंगी, तो फाइनल ड्रेस मैं आप लोगों को अभी बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं देख लेती हूँ। तो ये वाली ड्रेस मेरे को थोड़ी अच्छी लगी है, क्योंकि मैं लाइट कलर हमेशा लेती हूँ, मैं सोचू इस बार थोड़ा डार्क ले लूँ, तो भैया बोल रहे हैं आपके ऊपर ना ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप चूड़ा वगैरह भी पहनते हो, तो चूड़े के साथ बहुत अच्छा जाएगा ये पीस। हाँ फिटिंग वगैरह भैया करा कर देंगे, बाकी मैं भी देख लेती हूँ, पसंद कर लेती हूँ पहले। तो गाइस इतनी सारी ड्रेस देखने के बाद, भैया का काम बढ़ाने के बाद, यहाँ पे मैंने गाउन भी देखे, क्रॉप टॉप, स्कर्ट, लहंगे, मतलब सब कुछ देखे, और फाइनल जाकर मुझे जो है ना ये ड्रेस पसंद आई है। गाउन भी मेरे को ये वाला अच्छा लगा, पर भैया ये बाद में नहीं पहन पाएंगे ना, ये ऐसा है कि जो मैंने अभी लिया है इसको बाद में भी पहन सकती हूँ मैं। गाउन भी ये अच्छा था बहुत, बट भैया ये ना गर्मी के हिसाब से हैवी था ना, बट शादी के हिसाब से बेस्ट। हाँ शादी नहीं, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट शादी होती तो मैं पक्का डेफिनेटली लेकर जाती है ना। पसंद है, कर दो फिर फाइनल। ओके जी, अभी जो है ना मेरे से व्लॉग का पूछ रहे हैं कि आप व्लॉग बना रहे हो इतनी देर से, तो पूछ रहे थे आपका किस नाम से यूट्यूब चैनल है, तो अभी मैं भैया जी को बता रही हूँ, और भैया जी ने मेरे को बहुत अच्छे प्राइस में जो बहुत अच्छी ड्रेस दी है, तो इन फ्यूचर आप लोग भी यहाँ पर आओ तो भैया से कांटेक्ट जरूर करना, मैं सब कुछ जो है मतलब मैं बता दूंगी कौन सी शॉप है और किधर है, सब एड्रेस वगैरह मैं मेंशन कर दूंगी। शॉपिंग करने के बाद सारी शॉपिंग हमारी हो गई है, तो अभी यहाँ पे जो है हम लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, अभी मम्मी को मेहंदी लग रही है, उस हाथ पे लग गई पर बैक साइड रह गई है, अभी इस साइड अभी लग रही है, उसके बाद फिर मैं लगवाऊंगी, फिर मेरी बहन लगवाएगी। तू कितने हाथों पे लगवाएगी? दोनों पे लगवाएगी। फिर सामान कैसे जाएगा घर पे? एक उंगली से एक हाथ पे लगवाऊंगी, एक उंगली खुद लगा लूंगी। वैसे ये मेहंदी अच्छी लगा लेती है, पर थोड़ी इसकी स्पीड नहीं है इसलिए हम लोग इससे नहीं लगवा रहे, और घर में भी हमें काम वगैरह करना पड़ेगा, तो अभी हम यहीं से लगवा कर जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो है मम्मी की लगी, हमें दिखाना अपनी दोनों साइड की, बैक करो, और यहाँ पे अभी मेरे लग रही है, उसके बाद मेरी बहन लगवाएगी, फिर हम लोग सीधा घर जाएंगे। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 7 बजे का, तो मैं घर से मार्केट से जो है मैं घर आ चुकी थी, पर मेहंदी की वजह से मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो अभी थोड़ी सी मेरी मेहंदी सूख गई, तो मैं यहाँ पे बर्गर खा रही हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, वैसे सब लोगों ने खाया है, मैं थोड़ा लेट खा रही हूँ, मेरी मेहंदी लेट सूख गई है इसलिए, तो अभी मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं जब थोड़ी देर में मेहंदी जो है सूख जाएगी और तो मैं इसको हटाकर उसका थोड़ा काम वाम करवाऊंगी मम्मी के साथ, तो अभी मैं खा लेती हूँ, देन उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो इसके बाद मैं और ऋतिक भाई जा रहे हैं दोनों बाहर मार्केट घूमने, तो लेट्स गो आउटसाइड। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 7:10 शाम के, मैं और ऋतिक जा रहे हैं कहीं घूमने, अभी ऋतिक बताएगा कहाँ जा रहे हैं, ऋतिक बता दे जरा। देखो सबसे पहले तो गाड़ी धुलवाएंगे, क्योंकि गाड़ी हो रही है बहुत गंदी, बहुत गंदी। हाँ और लोग भी अगर गाड़ी देखेंगे भाई कितनी गंदी गाड़ी रखता है, गंदा बंदा है क्या? नहीं खैर वो तो इतनी गंदी नहीं है, अंदर से एकदम क्लीन है, बट थोड़ी सी बाहर से गंदी है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको धुला ले, है ना? अरे यार मैं सामान रह गया, अच्छा क्या घर पे यार क्या ना बोलिया, अच्छा कोई नहीं चलो फिर भी धुलवा लेंगे, जैसे तैसे हम अपना धुलवा लेंगे, पहले गाड़ी धुलवाएंगे, इसके बाद कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, फ्रूट्स वगैरह की मेरा नॉलेज नहीं है कुछ भी, बिल्कुल आपको नॉलेज है इसलिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ। अच्छा तो नॉलेज मेरे को है मतलब, और बट रेट यहाँ के कुछ ज्यादा ही बहुत हाई है, क्योंकि है ना। और दूसरा क्या है, उसके बाद देखते हैं कि मेरे को ना कल के लिए शर्ट भी लेनी है, शर्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सी लो, अरे यार मैं पैंट भी भूल गया, वापस जाना पड़ेगा क्या घर? नहीं 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 अब इतना क्या, वापस कौन जाएगा, चलो कोई नहीं। पैंट तो जैसे कि कल ऋतिक के जो बड़े भैया राहुल
उसकी अंगेजमेंट है एंड उसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है हमें एंड ग्रोसरी वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेने हैं। तो अभी चलते हैं मार्केट, शाम का टाइम है, दिन में हम लोगों को एक चीज और दिखा सकते हो आप, ये जो लाइन जा रही है ना आप देखो, ये सबसे तगड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत तगड़ा, एक के बाद एक ग्रिड ये पुल्स जो बने हैं लोहे के। अच्छा जी, ये 6 बने हैं, ये देश की सबसे पहली जो RRTS है ना आपकी, रीजनल रैपिड ट्रेन, वो जो है यहीं से होते हुए जा रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत मुश्किल से डाला गया है, मतलब और काफी बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत स्ट्रक्चर। ये सामने जो ब्रिज आप देख रहे हो कितने अच्छे है, ये अभी फंक्शनल नहीं हुई है, ये आई थिंक सो इस साल के एंड तक फंक्शनल हो जाएगी, कुछ पार्ट इसका फंक्शनल हो गया कुछ नहीं। ये दिल्ली से मेरठ जा रही है, दिल्ली मेरठ। अच्छा, दिल्ली मेरठ सबसे पहली है, इसका नाम वैसे नमो भारत कर दिया। अच्छा, वैसे इसको रैपिड रेल कहा जाता है, रैपिड रेल। तो भाई साहब फंस चुके हम छोटे से ट्रैफिक में, आप देख सकते हो दिल्ली में ये नॉर्मल बात है, ट्रैफिक तो लगता ही आपको पता है। तो अभी कुछ ट्रैफिक नहीं है, अभी तो ये मान के चलो जब ट्रैफिक लगता है ना, जब आप निकल ही नहीं पाओगे, कई बार दो दो घंटे लगे हैं मुझे। अच्छा जी, हाँ इसी जगह से निकलने में, एक ही जगह पे। हाँ सही बता रहा है, मैं लास्ट टाइम आया था जब ये पंजाब वाले किसान बैठ गए थे बॉर्डरों पे, एंड आपको पता ही है सिंधु बॉर्डर, सारे बॉर्डर जितने भी दिल्ली के बॉर्डर है ये सारे सीज कर दिए थे पुलिस वालों ने। तो उस टाइम मैं और श्रुति आए थे घर पे, एंड उस टाइम भाई साहब इतना गंदा जाम लगा था, हम 5-6 घंटे मतलब सुबह सुबह का टाइम 5-6 घंटे हम गाड़ी में बैठे रहे, फिर जाके हम कहीं घर पे पहुंचे। और ये वाला वो ब्रिज है जो ऋतिक भाई ने आपको अभी बताया, 6 पुल है ना ऋतिक, ये 6 है, काफी चौड़ा, काफी बनाया, डबल ट्रेन जाएगी क्या इसके ऊपर से? नहीं डबल ट्रेन तो नहीं, बट पता क्या यहाँ पे ना पिलर कम लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड चलता हुआ रोड है, इस चक्कर में तो इन्होंने गैप ज्यादा दिया है, गैप ज्यादा और चौड़ाई काफी ज्यादा दी है पिलरों की। हाँ पिलरों की चौड़ाई भी यहाँ पे दी है, और ये देखो ये जो है ना यहाँ से बहुत दूरी पे फिलहाल, अगर एक और बीच में लगा देंगे बहुत ट्रैफिक हो जाएगा। सही बात, और अगर ये कंक्रीट का बनाएंगे तो वो जो है उसके गिरने के भी चांस होते हैं, लेकिन इन्होंने लोहे का पूरा हैवी बिल्कुल मेटल लगा के इन्होंने बनाया, जिससे कि वो गिरे ना बहुत बढ़िया इस तरीके से, जो बेंड ना हो जाए बीच में से, नहीं तो कॉन्क्रीट ना हो। और भाई साहब ये दिल्ली वाली बस चेकआउट करो, तो यहाँ पे भाई साहब अभी वैक्यूम बज रहा है गाड़ी में, और यहाँ पे गाड़ी वॉश हो रही है सामने, ये बंदे ने जुगाड़ बना रखा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया गाड़ी धोना है। अभी ये गाड़ी लगी थी जस्ट, वो गए हैं, इसके बाद हमारी गाड़ी वैक्यूम के बाद वहाँ लग जाएगी। तो लो जी फाइनली चेकआउट करो, गाड़ी हमारी पूरी चमक चुकी है, अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से, फ्रूट लेने जाएंगे हमें ना। तो गाइज अभी पॉलिश भाई साहब 150 रुपए में रीति को जानने वाला था ये भाई, और 4 से 5 बंदे लगे हैं भाई साहब आधे घंटे के अंदर, इतनी मस्त गाड़ी अंदर बाहर से चमकाई है सिर्फ 150 में 150, बहुत अच्छा। तो दोस्तों घूमते घूमते मैं और ऋतिक पहुंच चुके हैं यहाँ पे स्वीट शॉप में, शाम डेरी करके है, तो यहाँ पे सुबह के फंक्शन के लिए काफी ज्यादा मिठाई ऋतिक ने ली है अंदर, एंड उसको लेके हम घर निकल रहे हैं अभी, है ना। फिर ऋतिक क्या क्या मिठाई ली भाई, बिल कहाँ है, काफी लंबा चौड़ा बिल है, 2460 का। गुलाब जामुन मिलके बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमारी मिठाई पैक हो रही है बस, ये इसी जगह ना मतलब सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट है, बहुत मतलब और भी है ऐसा नहीं है, बट ठीक ठाक है, यहाँ पे बढ़िया मिल जाता है एवरेज अच्छी। यहाँ पे ना एक चीज और अच्छी, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह होते हैं ना उसका वो भी मिल जाता है यहाँ पे, मतलब शुगर फ्री जो राइट राइट वो बढ़िया है। तो इसके बाद हम घर चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं अभी, घर पहले मिठाइयाँ देंगे क्योंकि अगर गाड़ी में ज्यादा रखेंगे तो फिर खराब भी हो सकता है। उसके बाद मुझे सबसे पहले शर्ट लेनी है, कुछ भी एक अपर के लिए पहनने के लिए लेना है, क्योंकि मैंने कुछ लिया नहीं और बहुत लेट हो गए हम। चलो सही है, तो ये सब मिठाइयाँ ले ली हमने, तो चलो फिर। तो दोस्तों अभी हम घूमते घूमते सारा सामान हमने लिया, ऋतिक ने बहुत सारे कपड़े लिए, अभी हम स्पार्क के शोरूम में आए हुए हैं यहाँ पे, ऋतिक भाई साहब अपने शूज ले रहा, ऋतिक का साइज नहीं मिल रहा है, और इसका पैर चेक करो भाई साहब, पूरी ये कम पड़ गई है भाई साहब, ये पूरा जो स्केल है ना पूरा खत्म हो गया, इसको 13 नंबर शूज आता है, 13 नंबर आ रहा है ऐसा है भाई, 13 नंबर जूते नहीं मिलते कहीं है, नहीं मिलते शूज ही नहीं मिलते, मैं कहीं जाता ना शॉप पे कोई जैसे रेटे बैटे ब्रांड वगैरह हो जहाँ जाओ, मतलब भैया 13 नंबर का जूता चाहिए, हाथ जोड़ लेता हूँ पहले। चलो सही है। सो गाइस टाइम हो रहा अभी 8:30 का, और जैसे कि आपको पता है कि शादी जैसा माहौल हो घर में और चीजें जो है सारी टाइम पे आ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो कुछ चीजें अभी हमारी रह गई है, मॉर्निंग में हम लोग लेट हो जाएंगे क्योंकि हमको सुबह जो है ना 9 बजे घर से निकलना है, और कितना भी जल्दी कर ले हम लोग सुबह सुबह जो है ना दुकानें भी नहीं खुली होती और चीजें भी नहीं मिलती और जल्दबाजी में लोग भूल भी जाते हैं, तो अभी हम लोग जो है ना थोड़ा सामान लेने जा रहे हैं मार्केट में दोबारा, तो अभी जो है हम लोग स्कूटी से ही जाएंगे, तो स्कूटी मैं चलाऊंगी, मेरी बहन बैठ के जाएगी,
पीछे चाबी का ही ना। सो गाइस टाइम हो रहा है अभी 10:30 का, तो मैं घर आ गई थी थोड़ी देर पहले ही, तो हम लोगों ने खाना खा लिया है बिल्कुल, मतलब खा पी के हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए हैं, सभी लोगों ने खा लिया मेरे घर में। तो बाहर मैं गई थी ना, मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई बाहर, क्योंकि ना बाहर इतना ज्यादा क्राउड था। पहले तो मेरे को लगा कि मैं बना लूंगी ना, शाम का टाइम है अब तो क्राउड कम होगा बाहर, पर मार्केट की साइड में गई वहां तो इतने लोग, इतनी भीड़ हो रही थी, मतलब जितनी शाम में नहीं थी ना इतनी रात में वहां पे ज्यादा भीड़ थी। क्योंकि यार दिल्ली में आप लोगों को पता ही है, लोगों की सुबह जो है ना वो रात में ही होती है, लोग रात में ही निकलना पसंद करते हैं सब लोग। इतना ज्यादा क्राउड था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग कल नहीं सो पाए थे ठीक से। ट्रैवलिंग में आपको पता है बंदा सो रहा है, जग रहा है, सो रहा है, जग रहा है ना, फिर हिलते डुलते हैं, कहीं ना कहीं आंखें खुल जाती है, फिर एक टेंशन सी रहती है ना कि कहाँ पहुंच गए कहाँ पहुंच गए, तो नींद नहीं हो पाई हमारी पूरी। तो आज का वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। आने वाले व्लॉग्स जो है वो सारे इंटरेस्टिंग होंगे, तो वीडियो में बने रहे आप लोग, और जो लोग नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है गाइस, अभी करते हैं हम लोग रेस्ट, तो आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।